नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर के एग्रीको वर्कर्स फ्लैट में स्थित बंद पड़े फ्लैट से बड़ी मात्रा में पाया गया अवैध शराब, पुलिस जांच में जुटी। करंडी स्थित LBSM कॉलेज की बदहाली से छात्र परेशान, सुधार न होने तक छात्रों ने किया अनिश्चितकालीन तालाबंदी। सावन की तीसरी सोमवारी को शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी परिवार के साथ किया जलाभिषेक। और पूर्वी के विधायक सरयू राय जदयू में शामिल, भाजपा जिला मंत्री ने कहा सरयू राय जनता और राजनीतिक दलों को बना रहे बेवकूफ। खबर विस्तार से। जमशेदपुर के एग्रीको वर्कर्स फ्लैट में बंद पड़े एक फ्लैट से बड़ी मात्रा में अवैध शराब पाया गया है। फ्लैट संख्या 128 से ये शराब बरामद किया गया है। बताया जाता है कि फ्लैट किसी के नाम से अलॉट नहीं था, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा इसे कब्जा करने का प्रयास ताला लगाकर किया गया था, जिसे कुछ दिनों पूर्व मुक्त करवाया गया था। टाटा प्रबंधन को दोबारा शिकायत प्राप्त हुई कि किसी के द्वारा फिर से कंपनी के ताले को तोड़कर अपना ताला लगाया गया है, जिस पर कंपनी के सिक्योरिटी टीम वहां पहुंची और अवैध ताला को तोड़ा, जिसके बाद उन्हें अवैध शराब का भंडारण वहां नजर आया। उनके द्वारा इसकी सूचना स्थानीय सिद्धकोड़ा थाना एवं आबकारी विभाग को दे दी गई। मौके पर थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर अवैध शराब को जब्त किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिद्धकोड़ा थाना प्रभारी गुलाम रब्बानी ने मामले के संबंध में जानकारी दी। दरअसल कंपनी का कई क्वार्टर जो है अवैध रूप से कब्जा करके लोग रह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ये लोग जो है कई क्वार्टर्स को खाली कराए भी हैं, पुलिस का भी सहयोग लिया है। ये 100 वर्कर्स फ्लैट में 128 नंबर में है, ये क्वार्टर कुछ दिन पहले खाली कराए थे, तो इनके बताए अनुसार वो ताला फिर से तोड़ दिया गया था और किसी के द्वारा अपना ताला लगा दिया गया था। जब इसको पुनः खाली कराने आया गया तो इसके अंदर देखा गया कि काफ़ी मात्रा में शराब की बोतल सवाली है। 26 लगभग हमको लगता है लगभग 3 लाख रुपये का शराब उसमें रखा हुआ था, और ये जो भी मटेरियल है वो हरियाणा या हिमाचल प्रदेश के लिए वैध है। और इस तरह का जो है अभी लगातार ड्राइव भी चल रहा है, क्योंकि जो लोग वैध तरीके से रहते हैं उसका नाम पता क्लियर रहता है, कौन रहते हैं, क्या नाम पता है और वो क्या करते हैं, किस रैंक में हैं। लेकिन जो अवैध तरीका से रह रहे हैं उसमें कभी कभी चीज़ें पता नहीं चलती, उनको जानना भी ज़रूरी है। और अवैध तरीके से अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है तो इसको ठीक करना भी होगा। उधर जमशेदपुर के करंडे स्थित LBSM कॉलेज की बदहाली से छात्रों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही है। आक्रोशित छात्रों ने जल्द से जल्द स्थिति में सुधार को लेकर कॉलेज में अनिश्चितकालीन तालाबंदी कर दी है और अपनी मांगों को लेकर इनका प्रदर्शन जारी है। कॉलेज परिसर में फुटबॉल ग्राउंड का निर्माण 3 वर्ष पहले शुरू हुआ था और अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। बारिश के मौसम में कॉलेज की कक्षाओं में पानी भर जा रहा है। शौचालय की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बदबू की वजह से छात्र छात्राएं पढ़ने में असमर्थ हैं। इतना ही नहीं, लगातार मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसी तमाम समस्याओं पर कॉलेज प्रबंधन मौन है, जिसे आक्रोशित होकर छात्र छात्राओं ने अनिश्चितकालीन कॉलेज में तालाबंदी कर दी है और इनका प्रदर्शन जारी है। जानकारी देते हुए कॉलेज के छात्र सुकरा हो ने बताया कि कॉलेज में पैसों का बंदरबांट हो रहा है। 3 वर्षों से फुटबॉल ग्राउंड अधर में लटका हुआ है, बास्केटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड जर्जर हो चुका है, शौचालय टूटे पड़े हैं, कक्षाओं में पानी घुस रहा है, पर कॉलेज प्रबंधन को इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे में जब उनकी मांगें पूरी नहीं होती, इन सारी समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग ये अनिश्चितकालीन बंदी किए हैं, इसको हम लोग मजबूरी में बंदी किए हैं। कई बार इसके ग्राउंड जो बनना है 3 साल से बनने की कगार पे है। जब से प्रिंसिपल आया, पदभार संभाला है, कॉलेज की पूरा बदहाली हो गया है। 3 साल से ग्राउंड बनना है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद जो बाथरूम है, महिलाओं की या जेंट्स की, दोनों बाथरूम इतना ख़राब है, इतना बदहाली है कि वहाँ आप घुस भी नहीं सकते हैं और स्टूडेंट लोग कहीं घुस नहीं पाते हैं, इतना परेशानी में है। इसके अलावा जो कॉलेज है, कॉलेज जो क्लासरूम है वहाँ मछली पालने लायक है, एकदम मछली पालने लायक है। वहाँ जाइएगा तो पूरा पानी ही पानी भरा है, कैसे स्टूडेंट लोग वहाँ क्लास करेंगे। और जो कॉलेज की जो कैंपस है, इतना गंदा है, इतना गंदा है, बदबू वहाँ से पास आता है। प्रिंसिपल उधर से पार होती है
पता नहीं कैसे जाती है, ऐसा आँख में पता नहीं कौन सा चश्मा लगा हुआ देख नहीं पाता है। हम लोग इसके लिए हम लोगों ने कई बार लिखित दिए हैं, मौखिक रूप से कई बार उससे शिकायत किए हैं, इसके बाद आवेदन उसको दिए हैं, फिर भी वो सुनता ही नहीं है। जो बास्केटबॉल की ग्राउंड है 6 महीने में ही पूरा टूट गया, वहाँ खेलने लायक ही नहीं है। वॉलीबॉल का ग्राउंड खेलने लायक नहीं है, फुटबॉल का ग्राउंड 3 साल से बना नहीं है, ग्राउंड बना नहीं है, लेकिन बिल पास हो गया। पूरा घोटालाबाज हुआ है यहाँ पर। हम लोग चाहते हैं कि इसका प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं इसका पूरी तरह से जाँच हो और मैदान जल्द से जल्द बने, और अन्यथा जब तक कॉलेज साफ़ सुथरा नहीं रहेगा, ग्राउंड नहीं बनेगा, बाथरूम का साफ़ सफाई नहीं होगा, कॉलेज का साफ़ सफाई नहीं होगा, और क्लासरूम का जो पानी उनी चू रहा है, ये सब अगर जब तक सही रूप से नहीं होगा तब तक हम लोग अनिश्चितकाल के लिए इसको बंद रखेंगे। मेरा नाम शुक्रा हो, पूर्व छात्र जोहार। उधर फ्रेंडशिप डे के अवसर पर जदयू के अध्यक्ष एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कॉलेज के दिनों के साथी और जयप्रकाश आंदोलन में साथ निभाने वाले पूर्व मंत्री तथा जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय को एक तोहफा दिया और अपने जनता दल यूनाइटेड में शामिल कर लिया। सरयू राय ने बताया कि जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें जदयू में शामिल होने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि काफी दिनों से नीतीश जी हमें बुला रहे थे, कह रहे थे निर्दलीय क्यों खड़े हो, पार्टी में शामिल हो जाओ, और अब उनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि हर पार्टी का एक अनुशासन होता है, जैसा पार्टी आदेश करेगी वैसा ही हम करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि वह शुरू से संघ परिवार से जुड़े हैं, भाजपा से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि भाजपा में शामिल एक समूह को मुझसे परेशानी थी, मेरे विचार वही है जो बीजेपी वाले के हैं। उन्होंने बताया कि जदयू हमें जहां से टिकट दे, जमशेदपुर से, रांची से, धनबाद से या कहीं से भी टिकट देगी, हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी बात मानी कि अकेले निर्दलीय खड़े होने पर उनके कुछ शुभचिंतकों को कुछ शंका थी, वह चाहते थे कि किसी पार्टी में शामिल होने से कठिनाई कुछ कम हो जाएगी। अब देखना यह है कि जमशेदपुर शहर के किस क्षेत्र से सरयू राय लड़ते हैं या जिस क्षेत्र से वह लड़ेंगे वहां किस प्रकार का ध्रुवीकरण होगा। इस अवसर पर सरयू राय के आवास पर उपस्थित भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा के पदाधिकारियों ने सरयू राय को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया। जब भी मिलता था तो कहते थे कि आप अकेले हमारे साथ आ जाइए। जी 10 दिन पहले मैं गया था तो मैंने हाँ कर दिया और कहा कि आपको जब ठीक लगेगा आप इसी घोषणा कर दीजिए। नहीं आज उन्होंने अपने कार्यकारी अध्यक्ष से घोषणा कर दी, तो एक तरह से सामान्य बात है, कोई लोग हंगामा वाली बात नहीं है। आपको लग रहा हंगामा वाली बात नहीं है? तो हम लोग तो कुछ भी कह दे सकते, अगर पार्टी के साथ आ गए तो पार्टियों का अनुशासन होता है ना, तो सोच समझ के निकलना। अब ये नीतीश कुमार जी जानेंगे, कह दिया था कि आपको जब चाहिए घोषणा कर दीजिए और आपको जो ठीक लगे वो बात, कोई शर्त नहीं है इसकी, मिलेगा तो लड़ेंगे, आप तो पार्टी के साथ है ना, पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़िए तो लड़ूंगा। तो जहाँ से कहें भाई, पुलिस कहें, पश्चिम से कहें, कहीं और से कहें। पूर्वी के विधायक सरयू राय जदयू में शामिल होने के बाद भाजपा जिला मंत्री राकेश सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि सरयू राय जनता और राजनीतिक दलों को बेवकूफ बना रहे हैं। वहीं साथ ही राकेश सिंह ने कहा कि सरयू राय जी जनता और राजनीतिक दलों को केवल दिग्भ्रमित कर रहे हैं, वह जिस थाली में खाते हैं उसी को छेद करते हैं, उनका मंशा चुनाव लड़ने का नहीं है आदि कई बातें। जनता ने उनको विश्वास किया, उस चुनाव जीतने के बाद पहले दिन से वह कभी धनबाद, कभी बोकारो, कभी रांची, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, और अलग अलग प्रोपगंडा रच के वो जनता को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं और राजनीतिक दलों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्होंने अभी तक प्रयास किया था कि हमको भाजपा ले ले, भाजपा में हम आ जाएं, कभी प्रयास करते हैं कि तीसरा मोर्चा बना लें, कभी प्रयास करते हैं कि हम जनता दल यू में चल जाए, तो अभी उन्होंने जनता दल यू के कुछ नेताओं को दिग्भ्रमित कर वहाँ अपना आश्रय बनाया है। वो अपनी राजनीति की अंतिम क्षण को गिन रहे हैं, अंतिम यात्रा अगर बोला जाए, वो अपने राजनीति की अंतिम यात्रा पे निकले हैं। उनका मनसा अब चुनाव लड़ने का और सेवा करने का नहीं है, वह दिग्भ्रमित कर यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित करेंगे। उनका काम है सिर्फ और सिर्फ छेड़ना और उनसे कुछ उगाही करना। सरयू राय की पार्टी और भारतीय जनतंत्र मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने कहा कि कौन क्या बोलता है, विधायक सरयू राय को फर्क नहीं पड़ता, कुछ चुनिंदा लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं। सरयू राय को जदयू में जाने से एनडीए को एक ताकत मिलेगी और जनता चाहती है पूर्व से चुनाव सरयू राय लड़े। सरयू राय जी के जदयू में जाने से
एनडीए गठबंधन को एक ताकत मिलेगी, एक ऊर्जा मिलेगी। ये भाजपा का कई नेता उनका विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, उन लोगों को उसकी जानकारी नहीं है कहाँ क्या बोलना चाहिए। हल्के सवाल करके एनडीए को कमज़ोर करने का प्रयास उन लोगों के द्वारा जो किया जा रहा है, जनता जान रही है कि आज की वक्त की जो डिमांड है, सरजू राय आज चमकते सितारे की तरह हैं, जदयू में जाने के बाद वो जदयू का भी कद बढ़ा है और उनका भी नेशनल फ्रेम में एक स्थिति मजबूत हुई है, और जनता को भी एक आशा पैदा हुआ है। ऐसा नेता जो हर एक मुद्दे पर बेबाक बोलने वाला व्यक्ति हो, भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर शोर से उठाता हो, जनता के कोई भी कठिन से कठिन मुद्दे, चाहे बिजली, पानी, सड़क, सफाई, अन्य मुद्दे हैं जहां लोग हमेशा सालों से परेशान रहे, वहां सरजू राय जी ने एक आशा की किरण पैदा की। इधर सावन की तीसरी सोमवारी पर सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर कमेटी के द्वारा महाजलाभिषेक यात्रा का आयोजन किया गया। इस जलाभिषेक यात्रा में उड़ीसा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पूरा परिवार के साथ शामिल हुए झारखंड और उड़ीसा के खुशहाली की कामना की। बारेड़ी नदी घाट से 5 किलोमीटर पैदल यात्रा कर हजारों भक्तों ने जल लेकर सूर्य मंदिर में भोलेनाथ शंकर का जलाभिषेक किया। इस दौरान पूरे रास्ते पैदल यात्रा करने वाले भक्तों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री सह उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास का लोगों ने फूलों से स्वागत किया। पूरा शहर बोलबम के नारों से गूंज रहा था। वहीं रघुवर दास ने झारखंड के साथ साथ उड़ीसा के लोगों को सावन पर्व की शुभकामनाएं दी। सूर्य मंदिर कमेटी द्वारा आयोजित जलाभिषेक यात्रा में हम सब ने देखा हजारों की संख्या में शिव भक्त, महिलाएं, पुरुष, नौजवान उपस्थित थे और सोनरेखा नदी से जल लेकर, और विशेष करके इस बार सूर्य मंदिर समिति ने सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर, जो हमारे कांवरिया शिव भक्त सुल्तानगंज नहीं जा पाते, बाबा धाम नहीं जा पाते, उनको ध्यान में रखकर इस बार एक ट्रक गंगा जल लाकर सभी लोग उसका जल लेकर सूर्यधाम में जलाभिषेक करने का काम किया। वही सावन की तीसरी सोमवारी को शहर के विभिन्न मंदिरों में भोलेनाथ का श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना किया। सभी ने अपने परिवार के सुख शांति की कामना भोलेनाथ से की। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही लगी रही। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी ने पूजा अर्चना किया। बाबा भोले को प्रसन्न करते हैं, बाबा भोले के लिए पूजा करते हैं, महाकाल के लिए पूजा किया जाता है। ये पूजा जैसे सोमवारी हम लोग गंगा सागर जाते हैं, बहुत जगह धाम में भी जाते हैं, कांवर उठाते हैं लोग, और बहुत सारे नियम है भगवान की पूजा हम लोग करते हैं। क्या नाम हुआ? हिना। वहीं जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ऑनर यूनियन के द्वारा रेट में बढ़ोतरी को लेकर चलाया जा रहा आंदोलन सफल हो गया। टाटा कंपनी ने इनके रेट में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ऑनर यूनियन के द्वारा रेट में बढ़ोतरी को लेकर चलाया जा रहा आंदोलन सफल हो गया। टाटा कंपनी के इनके रेट में बढ़ोतरी को मंजूरी कर दी है, जिससे यूनियन में खुशी की लहर दिखाई पड़ी। यूनियन के अध्यक्ष जयकिशोर सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेट में बढ़ोतरी को लेकर 5 अगस्त को भूख हड़ताल व गेट जाम की घोषणा यूनियन के द्वारा की गई थी, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने इनके रेट बढ़ोतरी को मान लिया है, जिसके बाद इनके द्वारा आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की गई है। जो उनका बुकिंग रेट है उन्होंने पूरा दिया हम लोग को और उसमें लिख के दिया है, और जो हम लोग मार्केट गाड़ी, जितना हमने यूनियन का गाड़ी है उसको पूरा लगाएंगे, बाहरी गाड़ी नहीं लगाएंगे, उन्होंने लिख के दिया। और जो भी पार्किंग की समस्या है उन्होंने टाटा स्टील में, और 10 साल का मुद्दा जो है उन्होंने कहा कि हम लोग ऊपर में बात कर रहे हैं, इसका जल्दी से जल्दी निवारण हो जाएगा कि आप लोग गाड़ी 10 साल जो चले, तो इस पर हम लोगों ने सहमति जताते हुए 2-2.5 घंटे तक वार्ता हुई, जिसमें हम लोग सहमति जताते हुए हम लोग लिखित में वार्ता हो गया और हम लोग का विक्ट्री हुआ कि हम लोग को रेट जो भी उनका बुकिंग रेट है पूरा दिया जा रहा है। और आजाद समाज पार्टी ने जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। झारखंड प्रदेश में जिलेवार निकाली जा रही है चौकीदार बहाली में। अनुसूचित जातियों को 0 सीट दिया गया है, जो कि अनुसूचित जातियों के आरक्षण का हनन है। इस कृत्य से अनुसूचित जातियों में काफी आक्रोश है। चौकीदार बहाली में आरक्षण के अनुरूप अनुसूचित जातियों को भी जगह दी जाए। वहीं विज्ञापन संख्या 4/2024 वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति में कुल 170 सीटें हैं, जिसमें आरक्षण रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए कम से कम 17 सीटें होनी चाहिए, परंतु मात्र 1 सीट दिया गया है, जो कि अनुसूचित जातियों के संवैधानिक अधिकारों का सीधे सीधे लूट है। इस पर पुनर्विचार कर आरक्षण के अनुरूप अनुसूचित जातियों को सीटें दी जाए आदि कई मांग है। झारखंड सरकार ने 2 महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति निकाली थी।
एक पद यह था कि जो रेंजर है उनकी बहाली में 170 सीटों पर बहाली की बात की गई, लेकिन उसमें सिर्फ एक आरक्षण सीट जो दलितों को दिया गया, और दूसरा जो हवलदार की बहाली होती है, चौकीदार की बहाली होती है, उसमें तकरीबन 290 सीटों पर बहाली का घोषणा किया गया, उसमें एक भी सीट दलित समाज को नहीं दिया गया। तो सवाल यह कि 55 लाख दलित समाज यहाँ पर 14.5%, उनकी दुर्दशा क्यों हो रही है पिछले 24 सालों से, कि दलित समाज यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा को, यहाँ के कांग्रेस सरकार को और यहाँ पर भारतीय मुक्ति मोर्चा को बनाते हुए आया है। उनके कई 9 रिजर्व सीटें हैं, 9 आरक्षित सीटों पर इन लोगों ने कब्जा करके सरकार चलाया, लेकिन उन सारे सीटों पर सरकार चलाने के बावजूद भी उनके लोग इनका अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ते। सवाल हमारा ये है कि 55 लाख दलित समाज है, वो समाज कितने गुहार लगाए। आजाद समाज पार्टी हर उन मुद्दों को उठा रही है जिन मुद्दों को राजनीतिक पार्टियां सुनने से डरती है। हमारी मांग ये है कि दलितों को आरक्षण देना होगा, उनकी जो अधिकार है उनको अधिकार को देना होगा, और उनके 14% जो अधिकार बनता है उस अधिकार को देना पड़ेगा। झारखंड के 55 लाख दलित समाज गुहार लगा रहे हैं कि आपको हमारे अधिकार को देना पड़ेगा, और यही नहीं सी बल्कि इन 24 सालों में झारखंड की दुर्गति जिन्होंने बनाई है, वो भाजपा सरकार हो, जेएमएम हो, कांग्रेस असू हो, इन सभी पार्टियों को हम धिक्कार करते हैं, उन सभी पार्टियों से मुतालबा करते हैं कि आपको आने वाले कुछ समय जो बचा है, अगर आपने इन सरकारों ने जागने का काम नहीं किया और हमारे दलित समाज को उत्पीड़न को नहीं रोका, तो सरकार हम गिराएंगे और मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ेंगे आजाद समाज पार्टी, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के प्रति सारे लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि हम सारे मुद्दों को उठा रहे हैं। जमशेदपुर में मनरेगा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल अब तक जारी है, कहा मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज होगा। वहीं मनरेगा कर्मियों की मांग है कि नियमावली में सुधार करते हुए स्थायी और वेतनमान की बढ़ोतरी किया जाए। 2018 में हम लोगों को आश्वासन मिला था, लेकिन अब तक स्थायी और वेतनमान की वृद्धि नहीं हुई है, जिससे मनरेगा कर्मचारी काफी नाराज है। हेमंत सोरेन की सरकार को 5 साल होने जा रहा है, लेकिन अब तक किसी प्रकार का समाधान नहीं हुआ, जिसे लेकर जिला मुख्यालय में पिछले 15 दिनों से मनरेगा कर्मी धरना दे रहे हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। मैं चाहते देखिए, विगत हम लोग का झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर हम लोग विगत 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आज हड़ताल का 15वां दिन हुआ। हम लोग का सरकार से सिर्फ यही मांग है कि स्थायीकरण और वेतनमान किया जाए, क्योंकि राज्य मनरेगा सेल में नियमावली संशोधन करके वहाँ 42,000 से 70,000 वो लोग को वेतनमान दिया जा रहा है। वही हम लोग क्षेत्रीय स्तर में जो हम लोग सरकार का सारा काम मनरेगा से लेकर सारा काम हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग को अल्प मानदेय में विगत 17 वर्षों से काम कराया जा रहा है। इसलिए हम लोग को सरकार से मांग है कि हम लोग को भी राज्य मनरेगा सेल की तरह नियमावली में संशोधन कर वेतनमान दिया जाए और हम लोग का स्थायीकरण किया जाए। इधर बोकारो के विधायक विरंची नारायण जमशेदपुर पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान ईडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि कोल्हान के सभी विधानसभा सीट जीतेंगे। वहीं विरंची नारायण ने कहा कि पिछले 5 सालों तक हेमंत सरकार ने झारखंड की जनता को ठगने का काम किया है। 5 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था लेकिन नहीं दिया। युवाओं को नौकरी देने का वादा किया लेकिन नहीं दिया। बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया लेकिन नहीं दिया। अभी हेमंत सोरेन 1,000 रुपये का झुनझुना देने की घोषणा किए हैं, जो लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। मनरेगा कर्मी को पैसे नहीं दे रहे हैं, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया को आप समय पर पैसा नहीं दे पा रहे हैं और नए नए घोषणा कर रहे हैं, जनता जान चुकी है। वहीं इस बार विधानसभा चुनाव में कोल्हान के पूरे सीट भाजपा जीतेगी। विधानसभा चुनाव एकदम निकट है और जिस तरह से इंडी गठबंधन ने, जिस तरह से हेमंत सरकार ने पिछले 5 साल तक लगातार झारखंड की जनता को ठगने का काम किया है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर और सघन अभियान चलाने वाले हैं। हर लोगों को ठगा उन्होंने, चाहे नौजवान हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, किसी को छोड़ा नहीं। कहा 5 लाख नौकरी दूंगा, नहीं दिया। कहा बेरोजगारी भत्ता दूंगा 5,000-7,000, नहीं दिया। कहा वो भी नहीं कर पाऊंगा तो राजनीति से संन्यास ले लूँ। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं उस दिन का कि हेमंत जी राजनीति से आकर कब संन्यास ले। अभी उन्होंने 1,000 रुपये का झुनझुना देने का काम किया, अभी देने का काम नहीं किया, अभी घोषणा किया, उसका फॉर्म भरवा रहा है और उसमें साफ लिखा है उस फॉर्म में कि वो अभी नहीं देंगे, चुनाव के बाद देंगे। तो एक सवाल करता हूँ आपके माध्यम से हेमंत सोरेन जी से कि 50 लाख लाभुक हैं, इसका मतलब है कि हर महीने 5 अरब रुपया चाहिए आपके खजाने में। क्या 5 अरब रुपए हैं? आप क्यों ठग रहे हैं? आप मनरेगा कर्मी को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को, रसोईया को समय पर पैसा नहीं दे पा रहे हैं, पंचायत कर्मियों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं,
सहायक पुलिसकर्मी को पैसा नहीं दे पा रहे, होमगार्ड के जवान को पैसा नहीं दे पा रहे, जितने भी आज 2 दर्जन से ज़्यादा संगठन के लोग आंदोलन रहते हैं उनको पैसा दे नहीं पा रहे हैं। तो फिर नए सिरे से आपने जो घोषणा की है 1,000 रुपया, मतलब 5 अरब रुपये हर महीने की ये पैसे आएंगे कहाँ से? तो जनता को बरगलाना, झूठ बोलना, ठगना, फरेब करना छोड़ दें। झारखंड की जनता आपको समझ चुकी है कि आप ठग हैं, आप बहुरुपिया हैं, आप खरीदी कर रहे हैं, जो आपसे झारखंड का भला होने वाला नहीं। उधर टाटा मोटर्स कानवाई चालक अपनी मांगों को लेकर विगत कई दिनों से यार्ड के समीप हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसे लेकर जमशेदपुर SDO पारुल सिंह जांच करने पहुंचे, जहां पूर्व में दिए गए सूचना पर जांच करने पर पाया गया कि हड़ताल स्थल के समीप टाटा मोटर्स यूनियन का एक कार्यालय है, जिसे पूर्व में सील कर दिया गया था। वर्तमान में उसी कार्यालय में यूनियन के ही कुछ लोगों द्वारा नगद राशि और लाइसेंस बनाने का कार्य किया जा रहा था, जो नियमतः यह कार्य के विरुद्ध है, जिस पर SDO ने सिंह और अलग नाम के 10 लाइसेंस बरामद किए, जिस पर 420 का मामला दर्ज किया गया। वही मोहम्मद इब्राहिम, ग्रीन सिंह और प्रमोद सिंह के पास से नगद बरामद है, सभी पर मामला दर्ज करते हुए थाना ले जाकर पूछ रही है। टाटा कॉन्वॉय के जो वर्कर्स यूनियन है, उन लोगों का बहुत दिनों से स्ट्राइक कर रहा था, कई लेटर्स भी उन्होंने दिए हुए थे। इस पे हम लोग 2-3 बार जाँच करा चुके थे लेबर इंस्पेक्टर से, और जाँच में कई चीज़ें सामने आई थी, लेकिन लगातार जो आंदोलनकारी थे इनका कहना था कि वहाँ पे कैश पेमेंट हो रहा है, जिसको टाटा के द्वारा डिनाई किया गया था, तो उसी की जांच करने हम लोग पहुँचे थे। तो वहाँ पे वाकई में कैश पेमेंट हो रहा है, जिसका वीडियो वगैरह भी बनाया गया है, और उन सबको हम लोगों ने थाना भेज दिया है जांच करने के लिए। सना दर्ज की गई है उनके खिलाफ, और 2 लोग और हैं जिनके पास से भारी मात्रा में जो है दूसरे लोगों के लाइसेंस मिले हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस, तो यहाँ पे ये पता चला है कि शायद ड्राइवर कोई और होता है, ड्राइविंग लाइसेंस कोई और होता है, उसके नाम उनकी जो मांगे थी वो बेसिकली टाटा मोटर्स से ही थी। उनकी मांगों में वो इंक्लूडेड था कि उनको PF नहीं मिल रहा है, और डेली वेजेस के अनुसार जो पैसा है उससे बहुत कम राशि दी जा रही है, और काट करके पैसा पेमेंट किया जा रहा है, और जो भी कंपनी के बेनिफिट्स होते हैं वो बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे हैं, जो नॉर्मल मिनिमम वेजेस के रूल्स हैं, गाइडलाइंस नहीं फॉलो की जा रही है। प्लस उनका ये कहना था कि यहाँ पे जितना पेमेंट होता है वो कैश पेमेंट होता है, और एक टाटा मोटर्स यूनियन का ही एक ऑफिस है जिसको पहले से मैम किसी गिरफ्तारी हुई है उसमें? गिरफ्तारी नहीं हुई है, 3-4 लोगों को हम लोगों ने थाना में भेजा गया है, सना दर्ज की गई है, उनसे जांच पड़ताल होगी। स्पेशली जो 2 लोग हैं जिनके पास से श्याम यादव और मुख्तार सिंह, जिनके पास से 10-10 लाइसेंस प्राप्त, तो उसकी जांच होगी कि दूसरों के लाइसेंस वो कैसे रखे हुए हैं, तो उसके सीधे 420 का मामला बनता है, वो चेक किया जा रहा है। कैश रिटर्न कर रहे हैं। जमशेदपुर में युवा कांग्रेस के द्वारा हर घर खटाखट अभियान सोमवार से शुरू कर दिया गया। इस अभियान के तहत कांग्रेस की टीम घर घर जनसंपर्क अभियान चला रही है, और झारखंड सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का कार्य कर रही है। जमशेदपुर में युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यम सिंह के नेतृत्व में इसकी शुरुआत भालूबासा इलाके से की गई। अभियान के तहत युवा कांग्रेसी घर घर जाकर झारखण्ड सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों में किए गए कार्यों की जानकारी साझा करेगी। साथ ही जिन लाभुकों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है उन्हें भी योजनाओं से जोड़ने का कार्य करेगी। वैसे आगामी कुछ ही महीनों में झारखंड विधानसभा चुनाव होना है, और इस तरह के अभियान के माध्यम से तमाम राजनीतिक दल अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई है। झारखंड युवा कांग्रेस के बैनर तले हम लोग जमशेदपुर पूर्वी में जनसंपर्क यात्रा का शुरुआत किए हैं। हर घर खटाखट हम लोग 24 तारीख से यहाँ पर कर रहे हैं। अभी तक लगभग 13,000 घरों पर हर घर खटाखट के तहत लोगों तक युवा कांग्रेस की टीम पहुंची है, और ये मेक श्योर कर रही है कि हर घर में जो झारखंड सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे कि मैया योजना है, जैसे कि पेंशन योजना है, और जो हमारे आदरणीय नेहरू जी का जो क्रेडिट कार्ड स्टूडेंट के लिए है, ये सारी योजनाएं पहुंची हैं कि नहीं पहुंची है, इसको मेक श्योर कर रही है। अगर नहीं पहुँची है तो उसको पहुँचाने का कार्य युवा कांग्रेस कर रही है। दूसरा बात कि हम लोग ये यात्रा के तहत बस्ती बस्ती जाने का काम करेंगे। आज से हमने इसका शुभारंभ किया है, और क्षेत्रीय मुद्दे जैसे कि जो भी इस क्षेत्र में मान लीजिए नाली का परेशानी है,
हमें यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि सामने एक स्कूल है, वो स्कूल में पानी का समस्या है, बच्चों को अगल बगल से पानी का व्यवस्था करना पड़ता है, टीचर को बाल्टी में पानी भर कर लाना पड़ता है। तो ये ऐसी जो मुद्दे हैं, ऐसी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर अब युवा कांग्रेस कार्य करने के लिए जमीन पर उतरी है। लेकर आया है हिंद आईटीआई, गांव और शहर के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका। युवा अपना भविष्य खुद बदल सकते हैं हिंद आईटीआई के साथ। जी हां, हिंद इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आए और देश विदेश में नौकरी करने का अवसर पाएं। यहां पर आपको इलेक्ट्रिकल, फीटर, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, एचवीएसी, बीएमएस, मोबाइल क्रेन, वेल्डिंग और भी कई तरह की टेक्निकल कोर्सेस कराए जाते हैं। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर हुसैन पिछले 15 सालों से हिंद आईटीआई के द्वारा बेरोजगार युवाओं को शिक्षा देकर उन्हें अच्छी प्लेसमेंट देश विदेश में उपलब्ध करा रहे हैं। घर बिहार हुआ, बिहार से हम जमशेदपुर हिंद आईटीआई के नाम सुनकर यहाँ पे आए। सर यहाँ पे बहुत अच्छे से थ्योरी करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, प्लांट विजिट करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को कतर हो गया, इसके लिए हम भी यहाँ पे आए हैं कि हम भी जाकर विदेश नौकरी करेंगे, अपना घर परिवार को चलाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ने के लिए चले हैं। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर है परेशान तो जल्द पहुँचे हिंद आईटीआई। आपका और आपके परिवार का सुनहरा भविष्य आपके हाथ में है। हिंद आईटीआई में जो है वो जमशेदपुर टाटा नगर झारखंड में है और यहाँ से डिफरेंट टाइप के ट्रेड का कोर्सेज कराते हैं जो स्किल डेवलपमेंट का है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, फिटर, मैकेनिकल, कोर्सेस होती है। यहाँ हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल के बाद प्लांट विजिट कराते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है कि बच्चे लोग को प्लेसमेंट देते हैं। अब प्लेसमेंट जो है डिफरेंट टाइप, हाँ हजारों बच्चे को प्लेसमेंट हो चुका है क्योंकि हम लोग का ज्यादा फोकस होती है प्लेसमेंट कराने का। टारगेट है कि स्किल ज्यादा से ज्यादा हो, इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा से ज्यादा बच्चे जाए और ज्यादा से ज्यादा रोजगार जो है पाए बच्चे। हमारा पता है निशा अपार्टमेंट, जवाहर नगर रोड नंबर 17, मानगो, जमशेद 9234721984। आपके बेबी को पहले दिन से प्रोटेक्ट करना है जॉनसन्स का प्रॉमिस। तभी जॉनसन्स ने चुने हैं सिर्फ और सिर्फ बेबी सेफ इंग्रेडिएंट्स जो आपके बेबी को प्रोटेक्ट करे। जॉनसन्स प्रॉमिस पहले पल से। जमशेदपुर के धतकड़ी में अब एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे आपके जरूरत के सारे सामान। FMS मार्क आप बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। हमारे यहाँ आपको ग्रोसरी आइटम्स, प्रीमियम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, स्कूल एंड ऑफिस स्टेशनरी, बच्चों के लिए टॉयज, लेडीज एंड किड्स फुटवेयर, गारमेंट्स, मेकअप एक्सेसरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सभी ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, यूटेंसिल्स एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स आर अवेलेबल। तो FMS स्मार्ट में आज ही शॉपिंग करें फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। स्क्रीन पर दिए बार कोड को स्कैन कर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे डिस्काउंट के साथ घर बैठे ऑर्डर करें और फ्री होम डिलीवरी पाएं। साथ ही यहाँ
के अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है लाइक 0.1, 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है, अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेस होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर आर रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। विजिट आवर रजिस्टर्ड ऑफिस बदानी। जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। ही मेवा मसाला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भट्ट नंबर 3 मसाला पट्टी बिष्टुपुर जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 0657-23-20075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। झारखंड राज्य के साइकिल वितरण योजना के तहत कदमा स्थित टाटा वर्कर्स यूनियन स्कूल में 300 छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उपस्थित रहे। इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसकी शुरुआत गुब्बारा उड़ाकर किया गया। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुद साइकिल चलाकर योजना की शुरुआत की। बता दें क्षेत्र के कई स्कूलों से चयनित छात्रों को साइकिल प्रदान किया गया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि वैसे स्कूली छात्र जो स्कूल से काफी दूर रहते हैं उन्हें साइकिल प्रदान राज्य सरकार कर रही है। छात्र इसका इस्तेमाल कर स्कूल तक पहुंचे और अपनी शिक्षा पूरी करें, इसे लेकर 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को यह साइकिल प्रदान किया जा रहा है। साथ ही कहा कि वे खुद भी इसी स्कूल से शिक्षित हुए हैं और अगर ऐसी योजना उस वक्त आई होती तो निश्चित तौर पर आज वे उसी साइकिल से दिल्ली तक पहुँच जाते। हेमंत सोरेन जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी की ये सोच है कि ये सरकार जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित हो, यही लोकतंत्र की परिभाषा है। इसी के क्रम में हमारी सरकार ने बहुत सारी जन उपयोगी योजनाएं लाई हैं, चाहे वो सर्जन पेंशन स्कीम हो, ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे फोटो हो, खेल योजना हो, 2021 का उद्योग नीति हो, चाहे स्वास्थ्य की दिशा दशा को ध्यान में रखते हुए 5 लाख से 15 लाख तक स्वास्थ्य सेवा बढ़ाई गई है, चाहे बच्चियों को समृद्ध करने के लिए जो है साइकिल का वितरण किया जा रहा है। अभी 21 साल जो हमारी बहनें हैं उनके लिए जो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लागू किया गया है और हर तरीके से हम अपने राज्य को समृद्ध और उन्नतशील बनाना चाहते हैं और राज्य को के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, बच्चा है, यही इस राज्य का भविष्य है। तो कैसे वो समृद्धशील बने, कैसे उसको कोई पैसे के अभाव में कोई मन में ग्लानी ना हो और वो आत्मसम्मान के साथ, आत्मविश्वास के साथ बढ़े आगे,
इस सोच के साथ ही जो है हम ऐसी योजनाएं ला रहे हैं। मैं खुद इस स्कूल का स्टूडेंट रहा हूं और जब मैं पढ़ता था तो 2.5 रुपया महीने हमको फीस लगती थी। आज हमने पूछा तो कुछ पैसे बढ़े हैं, लेकिन हमने कहा कि काश यदि मुझे भी साइकिल मिली होती तो साइकिल से मैं दिल्ली तक तो जरूर दौड़ जाता। नशा मुक्ति के खिलाफ सिद्धगोड़ा पुलिस और मेराकी ट्रस्ट के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। यह जागरूकता रैली अभियान बजरंग चौक से बारेडी गोल चक्कर समेत विभिन्न इलाकों में किया गया, जिसमें महिला पुरुष युवा सिद्धगोड़ा थाना के पुलिस भी मौजूद थे। सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी गुलाब रब्बानी ने कहा कि नशा मुक्ति के खिलाफ एक जागरूकता अभियान हम लोगों ने निकाला है ताकि युवा वर्ग के लोग नशा से दूर रहे। वहीं मेराकी की संस्था के सचिव रीता पात्रो ने कहा यह अभियान लगातार जारी रहेगा। ये आज हम लोगों ने मेराकी संस्था और सिद्धगोड़ा पुलिस नशा भी मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत ये प्रोग्राम किया था। हम लोगों ने आज आपका बजरंग चौक बागुन नगर वहाँ से हम लोगों ने सिद्धगोड़ा बाजार तक का प्लान किया। इस तरह का हम लोग का प्रोग्राम चलता रहेगा क्योंकि इस एरिया में नशे ने जकड़ रखा है। ब्राउन शुगर, गांजा, दारू, इसके लोग आदि हो गए हैं। कई परिवार डूब रहा है, कई परिवार बर्बाद हो रहा है, आर्थिक रूप से भी कमजोरी आई है। तो हमें लगता है कि ये हम लोगों की जिम्मेवारी है कि समाज को जागरूक करें ताकि नशा विमुक्त हो सके लोग और एक बेहतर और स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। हम आभारी हैं मराठी संस्था से रीता पात्र जी का जो हमेशा साथ देते रहे हैं, इस तरह के कामों में इनका काफ़ी योगदान रहा है और हम आगे भी इस तरह का प्रोग्राम करते रहेंगे क्योंकि ये एक सामाजिक समस्या है और हमें लगता है कि युवा वर्ग को अगर हम लोग नहीं अभी संभाल पाए, उनको जागरूक नहीं कर पाए तो हमारा समाज, हमारा देश बिल्कुल बर्बादी की जगह पर जाएगा। ये हमारी जिम्मेवारी है, हमें करना चाहिए। थैंक यू सर। युवा पीढ़ी गलत दिशा में जा रहे हैं, जिनको हम लोग मुख्य धारा से कैसे जोड़े, कैसे माँ बाप समाज को इस तरह के नशे से शिकार हुए परिवार को बिगड़ते और बर्बाद होते हम लोग देख रहे हैं। पूरे परिवार को समेटने का मुहिम प्रशासन आभार है जमशेदपुर प्रशासन का। हद से ज़्यादा व्यस्तता के बावजूद भी हमारे जैसे संस्था के साथ जगह जगह पर इस तरह के जागरूकता अभियान चला रही है, मुहिम चला रही है ताकि युवा वर्ग सही दिशा में रहे, अच्छे काम से जुड़े रहे। उधर रांची के सांसद एवं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शनिवार को केंद्रीय बजट 24 पर शहर के प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया। भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा की अध्यक्षता में बिष्टुपुर स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में सांसद विद्युत वरण महतो, भाजपा प्रदेश मंत्री नंजी प्रसाद मुख्य रूप से शामिल हुए। परिचर्चा के दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रयासरत है। पीएम मोदी ने देश की आज़ादी के 75 साल के बाद के 25 साल को अमृतकाल बताते हुए देश की उन्नति और विकास के लिए कार्य शुरू कर दिया। विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए महिला, युवा, किसान और गरीब के विकास के लिए इस बार बजट में नई पहल की गई है। भाजपा की नीति भी अंत्योदय की है। समाज और देश का विकास करना है तो अंतिम पंक्ति का उदय करना है, फिर चाहे वो अंत्योदय परिवार का हो, समाज का हो, जिले का हो या फिर देश का हो। संजय सेठ ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से झूठ बोलकर और लोगों को भ्रमित कर राजनीति की है। उनके झूठ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 40 करोड़ लोगों को सालाना 1 लाख रुपए देने का वादा किया। इस हिसाब से कुल 40 लाख करोड़ रुपए बांटे जाते, लेकिन देश का बजट ही 48 लाख करोड़ रुपए का है तो यह संभव नहीं हो सकता था। संजय सेठ ने कहा कि रक्षा मंत्रालय को करीबन 6.22 लाख करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है, जो अन्य सभी मंत्रालयों की तुलना में सबसे अधिक है। बजट में पूंजीगत खर्चों के लिए करीब 1,72,000 करोड़ रुपए का आवंटन निर्धारित हुआ है। इसमें से 1,05,518 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वदेशी रक्षा कंपनियों से रक्षा उत्पादों की खरीद पर खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि बजट में सेना को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इनमें तीनों सेनाओं के लिए हथियारों और उपकरणों के निर्माण के लिए कई परियोजनाओं की तैयारी की गई है। वहीं सांसद विद्युत महतो ने बजट को दूरगामी सोच वाला बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार का बजट विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में सिस्टम को सही किया, दूसरे कार्यकाल में विरासत और विकास पर कार्य हुआ और तीसरे कार्यकाल में स्पीड और स्केल पर फोकस किया गया।
उन्होंने बजट को सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुखी बताते हुए कहा कि बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, बुजुर्ग समेत समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास का संकल्प निहित है। कैंसर की दवाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, कपड़े, मोबाइल एवं अन्य उपकरणों में BCD घटाई गई है। इसके अतिरिक्त सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम किया गया है। इसके साथ ही झारखंड के लिए पुरानी रेल परियोजनाओं के विस्तार हेतु 1260 करोड़ से अधिक की राशि प्रस्तावित की गई है। उन्होंने जनजातीय समुदाय के सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने के साथ पूर्वोदय योजना को सराहनीय बताया। वहीं 1 करोड़ शहरी, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए घर जैसे योजना संतुलित और महत्वपूर्ण है। वहीं जमशेदपुर में हिंदूवादी नेता सतीश सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवाओं ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दामन थामा। इस बाबत एक कार्यक्रम का आयोजन साक्षी स्थित स्टील हाउस में किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान उपस्थित थे। इस दौरान युवाओं में काफी जोश नजर आया। वैसे आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दल अपने आप को मजबूत करने में जुटे हैं और लोजपा भी अधिक से अधिक युवाओं को पार्टी में जोड़ रही है। इस दौरान पार्टी का दामन थामे सतीश सिंह ने कहा कि जमशेदपुर में युवा वर्ग को नशे से दूर करना एवं उन्हें सही दिशा में लाने का कार्य वे करेंगे। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी में जोड़कर उन्हें सशक्त राजनीति में लाकर पार्टी को मजबूत करेंगे। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद चिराग पासवान केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। देश के विकास के साथ साथ झारखंड राज्य का कैसे विकास हो, इसे लेकर पार्टी कार्य कर रही है। 200 से ज्यादा संख्या में हम लोग जनशक्ति पार्टी का सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं और आने वाले समय में ये हम लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़ेंगे और आने वाले विधानसभा में हम लोग पार्टी के लिए समर्पित रूप से काम करने जा रहे हैं। इधर जमशेदपुर में झारखंड भाजपा व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नीरज सिंह के द्वारा लगातार पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड बनाने का सिलसिला जारी रखा है। रविवार को सुनारी लाल अखाड़ा परिसर में 800 से अधिक लाभुकों के बीच आयुष्मान कार्ड वितरित किया गया। इस दौरान नीरज सिंह ने कहा कि विश्व भर की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान योजना है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भाजपा का लक्ष्य है। इसी के तहत सभी का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। साथ ही कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जमशेदपुर पश्चिम के विधायक है, लेकिन उन्हीं की विधानसभा के लोग आयुष्मान कार्ड से वंचित थे। साथ ही कहा कि विगत 5 वर्षों में उनके कार्यकाल में राज्य भर में स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई है। आज आयुष्मान कार्ड का वितरण सोनारी के इस शिवलाल अखाड़ा में हम लोगों ने रखा था, क्योंकि बारिश का मौसम था, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जन सैलाब उमड़ा हुआ है। लगभग 1500 लोगों के बीच में कार्ड वितरण कर रहे हैं हम लोग। ये पिछले 2 महीने से यहाँ पे कार्ड बनाने का कार्य चल रहा था और आज ये कार्ड बन के जब हमारे पास में आया तो हम लोगों ने सभी को फ़ोन करके उनको बुलाया यहाँ पर, उनके बीच में हम लोग कार्ड वितरण करने का काम कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड एक हमारे मोदी सरकार की एक ऐसी योजना है भारतवर्ष में, जो कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है और इसके तहत हमारे जितने भी गरीब लोग हैं, जो अंतिम व्यक्ति है, उनको भी इसमें लाभ पहुंचता है। जब उनके घर में कोई बीमारी होती है या कुछ होता है तो उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है और सीधा आयुष्मान कार्ड लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं, उनका इलाज होता है। और चैनल अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में 15 अगस्त समारोह को लेकर पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक किया गया। 15 अगस्त आने वाला है तो उसी का समारोह का लेकर के आज हम लोगों ने बैठक किया था। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोग थे और जो स्कूल्स हैं, जो स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग थे और जो यहाँ पे बाकी जो इंडस्ट्री जो उनका फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री वाले लोग। और क्योंकि 15 अगस्त जो है ये हमारा राष्ट्र त्यौहार है तो सबका सहयोग से होगा, इसीलिए हम लोग उसी को लेकर। देखिए, जो झंडोत्तोलन होना है, परेड होना है और जैसे बताया गया है कि पहले भी फ्रेंडली मैचेस होता था तो उसका भी फ्रेंडली मैच का ही प्रस्ताव आया है तो हम लोग उसी की तरफ वेट करेंगे। पूर्व सांसद सह कांग्रेस के वरीय नेता डॉक्टर अजय कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम को पत्र लिख IAS अधिकारी आदित्य रंजन के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की मांग की है। ये जानकारी डॉक्टर अजय कुमार ने परिसदन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक आदित्य रंजन द्वारा शिक्षकों के प्रति जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया वो अशोभनीय व शर्मनाक है। सभ्य समाज में इस प्रकार की भाषा का कोई स्थान नहीं है। इससे पहले उन्होंने
वायनाड में प्रकृति आपदा में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। वहीं पिछले दिनों झारखंड के लतेहार में वैन के हाई टेंशन बिजली पोल से टकराने के कारण जिन कांवड़ियों की मृत्यु हो गई उन परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। डॉक्टर अजय ने कहा कि आश्चर्यजनक तरीके से 2014 के बाद से आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बात करने के तरीके और व्यवहार में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है, जो समाज और देश के लिए ठीक नहीं है। आदित्य रंजन पहले और अंतिम अधिकारी नहीं, इससे पूर्व महाराष्ट्र के अधिकारी पूजा खेड़कर के अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ किया गया व्यवहार तो सबके सामने है। उन्होंने कहा कि आप शायद नहीं जानते कि 2016 में आरएसएस से जुड़े संकल्प ने सिविल सेवा परीक्षा में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, इंजीनियर समेत प्रोफेशनल्स के आने पर चिंता जताई थी। जिस तरह आरएसएस और बीजेपी ने ऐसी प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षार्थियों के कार्यों को अपने हाथों में ले लिया है, मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि उन परिवारों का क्या होगा जो केवल अपने बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाने का सपना देखते हैं, क्योंकि उनके पास अपने बच्चों को बड़े संस्थानों में एडमिशन के लिए पैसे नहीं है। डॉक्टर अजय ने बताया कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि विपरीत परिस्थितियों में वे भी धैर्य का परिचय देते हुए आम लोगों से सम्मानजनक व्यवहार करें। उसके बावजूद अधिकारियों के इस प्रकार का व्यवहार गंभीर चिंता का विषय है। डॉक्टर अजय ने चुटकी लेते हुए कहा कि हाल के दिनों में जिस प्रकार बीजेपी नेताओं के भाषण में परिवर्तन हुआ है, लगता है उसका ही असर अधिकारियों पर भी पड़ने लगा है। आज कुछ युवा जो आईएएस आईपीएस बन रहे हैं उनकी मानसिकता बदल रही है, क्योंकि उनके सामने हमारी केंद्र सरकार का उदाहरण है जो खुलेआम हमारे लोगों की जाति पूछ रही है, लोगों का धर्म पूछ रही है, लोगों को गोली मारने की धमकी दे रही है, लोगों से विशिष्ट अल्पसंख्यक समूहों का बहिष्कार करने के लिए कह रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार में इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। नाउ एक आईएएस ऑफिसर बिना सरकार के कानून, बिना यूनिफॉर्म पॉलिसी, बिना सरकार का आदेश के अनुसार कि हर सरकारी टीचर को आपको यूनिफॉर्म पहनना है तो सरकार का आदेश होना चाहिए। भाई कानून बोलता है कि मैं टीचर को हवाई चप्पल में, टीचर आएगा तो चप्पल से, और हमारे झारखंड क्योंकि आरएसएस का और बीजेपी का माइंड सेट है, हमने मुख्यमंत्री जी को लिखा कि इसको सस्पेंड कराइए। पूरे प्रदेश में टीचर जो है, आप बताइए स्कूल के टीचर जो हम सब लोग को पढ़ाए, एक आईएएस ऑफिसर बोलता है कि उसी चप्पल से हम मारेंगे। 29 साल का लड़का 60 साल का टीचर को जो है सर में चप्पल मार के चप्पल मारेंगे, ये संस्कृति है आईएएस ऑफिसर का, टिपिकल बीजेपी आरएसएस माइंडसेट। यूनिफॉर्म पहनोगे आरएसएस क्यों पहनेंगे भाई साहब, कानून है, लेकिन आईएएस कानून से ऊपर है। इसलिए मैंने हेमंत जी को आज चिट्ठी लिखा है कि इसके ऊपर विभागीय कार्रवाई कीजिए और वैसे ऑफिसर एक एक करके जो है कार्रवाई करें। इधर चांडिल प्रखंड अंतर्गत घोष नगर कपाली और भंधु गोड़ा ताज नगर कपाली में एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लोकप्रिय समाज सेवी झारखंड आंदोलनकारी सह स्वच्छ चांडिल स्वस्थ चांडिल के संस्थापक सुखराम हेमरम उपस्थित हुए। दोनों ही कार्यक्रम में पूरे बाजे गाजे के साथ भव्य रूप से स्वागत हुआ। कपाली के लोगों ने कहा कि 35 सालों से यहाँ पर कुछ विकास का काम नहीं हुआ। हर पार्टी के लोग चुनाव में समय से आते हैं और उसके बाद 5 साल तक अता पता नहीं। यहाँ पर रोड, नाली, पानी और बिजली की बहुत समस्या है। इस बार कोई भी पार्टी को वोट नहीं दिया जाएगा। सुखराम हेमरम ने कहा कि अगर वो वोट जीतते हैं तो पिछले 35 सालों में जो काम कपाली में नहीं हुआ वो काम करके दिखाएंगे। मेरे लिए भी यह सौभाग्य की बात है। आज मैं शुरू से ही, जब से मैं अकल हुआ हूँ, जब से मैं समाज सेवा के लिए निकला हूँ, निश्चित रूप से हम निश्चित कर लिए हैं कि कहीं भी जाऊंगा, जिस क्षेत्र में भी जाऊंगा, समाज के लिए काम करूंगा, चाहे कोई समाज हो, मेरे लिए कोई बैर नहीं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के एग्रीको वर्कर्स फ्लैट में स्थित बंद पड़े फ्लैट से बड़ी मात्रा में पाया गया अवैध शराब, पुलिस जांच में जुटी। करंडी स्थित एलबीएसएम कॉलेज की बदहाली से छात्र परेशान, सुधार न होने तक छात्रों ने किया अनिश्चितकालीन तालाबंदी। सावन की तीसरी सोमवारी को शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी परिवार के साथ किया जलाभिषेक। और पूर्वी के विधायक सरयू राय जदयू में शामिल, भाजपा जिला मंत्री ने कहा सरयू राय जनता और राजनीतिक दलों को बना रहे बेवकूफ।
और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।